आज आईपीएल में पंजाब और लखनऊ के बीच मैच खेला गया, जहां पर टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 153 रनों का स्कोर बनाया। क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली, जबकि दीपक हुड्डा के बल्ले से 34 रन निकले। पंजाब के लिए कसिक और अबाड़ा ने 4 विकेट लिए। 154 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने 35 रन जोड़े। पांचवें ओवर में चमीरा ने मयंक को आउट कर लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सातवें ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन 15 गेंदों पर केवल 5 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड हो गई। भानुका राजपक्षे 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर कुणाल पांड्या की गेंद पर आउट हुए। लखनऊ की ओर से कुणाल पांड्या ने मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 2 विकेट अपने नाम की। उन्होंने भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा को आउट किया। अपने स्पेल में उन्होंने केवल 2 पॉइंट इकोनॉमी से 11 रन खर्च किए। पंजाब की ओर से पिछले कुछ मैचों के हीरे रहे लियाम लिविंगस्टोन 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। चौथे विकेट के लिए लियाम लिविंगस्टोन और जॉनी बेरेस्टो ने 25 गेंदों पर 30 रन जोड़े। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिया। सो दोस्तों, आखिरकार धमाकेदार मुकाबलों को लखनऊ ने अपने नाम किया। पंजाब का कोई भी बल्लेबाज आखिरी तक बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी नहीं ले सका और लखनऊ ने इस धमाकेदार मुकाबले को जीत लिया है। सो दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।